तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो आपको पता है कंप्यूटर को काम करने के लिए तीन मेन चीजों की जरूरत होती है। एक होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है प्रोसेसिंग डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस। तो बेसिकली इनपुट डिवाइस क्या काम करता है, वो कंप्यूटर को ना इंफॉर्मेशन हमसे लेकर देता है, और जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है वो क्या काम करता है, जो इनपुट इन्फॉर्मेशन हमसे लेता है उसे प्रोसेस करता है, उसे क्या करता है एग्जीक्यूट करता है, और वो क्या करता है उस प्रोसेस किए हुए डेटा को या उस प्रोसेस किए हुए इन्फॉर्मेशन को रिजल्ट के रूप में आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाता है। जैसे मान लो कि आपको किसी ने कुछ बोला, बस आप पड़ा धर दिए, तो हुआ क्या कि कंप्यूटर आपके कान ने सुना, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस की तरह, और माइंड ने प्रोसेस किया कि साला मुझे गाली दिया, बस आउटपुट दे दिया आप एक झापड़। बस सिंपल सी काम है, ऐसे कंप्यूटर काम करता है।